बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जनाब सब इंस्पेक्टर बहावलपुर, जिसका इंतज़ार था काफ़ी दिनों से, उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। और तमाम लोग जनाब जो रिज़ल्ट का बड़ी बेदर्दी से साथ जो है ना वेट कर रहे थे, और उनको चाहिए जनाब अपना रिज़ल्ट चेक कर लें। और रिज़ल्ट चेक करने के बाद जो हमारा इंटरव्यू ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने रिज़ल्ट शेयर कर दिया है। और ये देख सकते हैं जनाब 313 कैंडिडेट को उन्होंने पास किया है, और 68 में से जनाब जो 11 लोग हैं वुमेन कोटा के लिए हैं, और 3 माइनॉरिटी के लिए, 11 और 3 जनाब ये हो जाएंगे 14 जाए बाकी 54 ओपन मेरिट पे आए। तो ये जनाब 31 जनवरी को जो पेपर हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग पास हुए हैं टोटल। जनाब ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट पे जी जनाब ओपन मेरिट 270 लोग पास हुए हैं। तो 270 का जो है जनाब 270 लोग पास हो रहे हैं। और इस तरह फीमेल की बात की जाए, फीमेल की जो है तकरीबन कोई 11 सीटें हैं, तो 55 लोग पास होने चाहिए, लेकिन क्योंकि जनाब 15 कैंडिडेट ऊपर पास हो रही हैं फीमेल कैंडिडेट, इसलिए जनाब उनको यहाँ पे वो किया गया है। और इनमें से जनाब 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपना रूल नंबर लिखना भूल गए थे, सॉरी कोड नंबर लिखना भूल गए थे, तो इसलिए उनको रिजल्ट चेक भी नहीं हुआ। तो जनाब बरहाल बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन तमाम स्टूडेंट्स को, और ख़ास तौर पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम जो है आया हुआ है मोहम्मद अवैस को, तो मैं जानता हूँ मोहम्मद अवैस साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बाकी जितने स्टूडेंट हैं वो जनाब चेक कर लें ताकि आपको पता चल सके कि आपका नाम रिज़ल्ट में आया हुआ है या नहीं आया हुआ। इसके अलावा आपको मैं एक बात बता दूँ कि PPSC का मैं भी चेक कर रहा था कि फाइनल रिज़ल्ट में उन्होंने लेक्चरर इस्लामियात का भी दे दिया, और सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल अटक का रिज़ल्ट भी फाइनल रिज़ल्ट आउट कर दिया। इसके अलावा रिटर्न की अगर हम बात करें तो रिटर्न के अंदर जनाब उन्होंने काफ़ी सारे रिज़ल्ट आउट किए हैं आज की डेट में। तो इसके अंदर हम जनाब अगर ये यहाँ से चेक कर लें भाई आज की डेट में कौन कौन से रिज़ल्ट आउट हुए हैं, तो ये जनाब आपके सामने ये आ गए, देख लें ये जनाब रिज़ल्ट आउट हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डिप्टी डायरेक्टर फील्ड अकाउंटेंट, इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़, जेंडर मोनिटरिंग स्पेशलिस्ट, और इसके अलावा जनाब सीनियर वेटरनरी ऑफिसर, और सब इंस्पेक्टर भावलपुर। ये वो रिज़ल्ट हैं जनाब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आई थिंक ये जो है तकरीबन 9 रिज़ल्ट, आज 9 रिज़ल्ट अभी आउट हो चुके हैं। अभी तो आपको पता है कि 2:30 तक PPSC जो है ना कोई अपडेट करती रहती है। तो बहरहाल इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है PPSC का क्या नेक्स्ट अगले जो है अगले 2 घंटों में कोई और रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट की भी काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं हम लोगों ने, उसके रिज़ल्ट के आने की भी फुल चांस है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरव्यू की बात करें कि इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से रिज़ल्ट आउट हो रहे हैं, तो इंटरव्यू के अंदर जनाब सॉरी हमने बात करनी थी कि इंटरव्यू शेड्यूल की बात कर रहे थे। इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर आप देख सकते हैं जनाब के PPSC ने DG खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, और अभी तक मुल्तान और लाहौर का नहीं आया, बट इस वीक के अंदर लाजमी शेड्यूल आ जाएगा, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे ही नई पोस्टों के रिज़ल्ट निकले होंगे, और इंशाल्लाह ताला नए रिज़ल्ट भी आउट होंगे, और इसके अलावा जितने भी मौजूद हैं हम इंशाल्लाह ताला लाइव बात करेंगे आपसे आज अफ्तारी के बाद, ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाह किया जा सके कि इसका मेरिट कितना बना, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपका इंटरेस्ट और ये मौजूद है हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब कर लें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह हम ताज़ा तरीन अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।